आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो आपको नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए एक पौराणिक कथा के माध्यम से हम जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। यह कहानी भगवान विष्णु और राजा बलि का कहानी है। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं और जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। राजा बलि ने जब 110 यज्ञ पूर्ण कर लिए तब देवताओं का डर बढ़ गया और देवताओं का भय सताने लगा कि अज्ञों की शक्ति से राजा बलि स्वर्ग लोक पर भी कब्जा कर लेंगे। इसलिए सभी देव भगवान विष्णु के पास स्वर्ग लोक की रक्षा की फरियाद लेकर पहुँचे। जिसके बाद विष्णु जी ब्राह्मण वेश धारण कर राजा बलि के समक्ष प्रकट हुए और उसने भिक्षा मांगी। भिक्षा में राजा ने उन्हें 3 पग भूमि देने का वादा किया। लेकिन तभी बलि के गुरु शुक्र देव ने ब्राह्मण रूप धारण किए हुए विष्णु को पहचान लिया और बलि को इस बारे में सावधान कर दिया किंतु राजा अपने वचन से ना फिरे और फिर 3 पग भूमि दान कर दिए। इस दौरान विष्णु जी ने वामन रूप में 1 पग में स्वर्ग और 2 पग में पृथ्वी को नाप लिया। अब बारी थी 3 पग की, लेकिन उसे वे कहाँ रखे। वामन का 3 पग आगे बढ़ता हुआ देख राजा परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें और तभी उसने आगे बढ़कर अपना सिर वामन देव के चरणों में रखा और कहा कि 3 पग आप यहाँ रख दें। इस तरह से राजा ने स्वर्ग एवं पृथ्वी में रहने का अधिकार छीन लिया और वे रसातल लोक में रहने के लिए विवश हो गए। कहते हैं कि जब बलि रसातल में चला गया तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया और भगवान विष्णु को उसका द्वारपाल बनना पड़ा। इस वजह से माँ लक्ष्मी जो कि विष्णु की अर्धांगिनी थी वे परेशान हो गई। भगवान के रसातल निवास से परेशान लक्ष्मी जी ने सोचा कि यदि स्वामी रसातल में द्वारपाल बनकर निवास करेंगे तो वैकुंठ लोक का क्या होगा। इस रहस्य में समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांधकर अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। उस दिन से श्रावण मास की पूर्णिमा थी, उस दिन से ही रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। आज भी कई घर में इसी कथा को आधार मानकर रक्षाबंधन मनाया जाता है। उसी दिन से रक्षाबंधन हमारे हिंदुओं का त्यौहार पूरे भारत देश में मनाया जाने लगा और यह इस वर्ष 15 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा और बहुत ही हर्षोल्लास से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह भाई बहनों का एक त्यौहार होता है जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह का अगर आप कहानियों के माध्यम से साहित्य को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।